भोजपुरी में सस्ती टीआरपी है कि किसी भी स्टार का नाम लो, गाली दो, गलौज दो और हिट हो जाओ। ये अभी और है, ये अभी और है, ये इन्हें पता था कि इनके साथ कंट्रोवर्सी करके, इनके साथ लड़ाई करके जरा सा भी मेरा नाम नहीं होगा, मीडिया में चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन मैं अगर खेसारी लाल यादव को या अखिलेश कश्यप को टारगेट करता हूं तो मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। दोस्तों, सब करें तो पुण्य, खेसारी करें तो पाप। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो सच होता है मैं वही बोलता हूँ, वो फिर चाहे बड़े स्टार के बारे में हो या फिर उभरते हुए किसी कलाकार के बारे में हो। मैंने आज तक हर उस इंसान के लिए आवाज़ उठाई है जो सच के साथ रहता है, जो गलत नहीं रहता है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कल बहुत बड़ा तांडव हो गया था। एक भोजपुरी सिंगर हैं जिनका नाम है शिव कुमार विक्कू, आप इधर तस्वीर इनकी देख सकते हैं। कल इन्होंने अखिलेश कश्यप की माँ बहन एक कर दी थी। मैं आपको जरूर सुनाता कि इन्होंने क्या कहा था, लेकिन मैं नहीं सुना सकता क्योंकि इतना गंदा, इतना अभद्र वर्ड, शब्द यूज किया इन्होंने अखिलेश कश्यप के लिए, उनकी माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, उनके लिए, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव को भी इन्होंने गंदा शब्द बोला। जो कि अगर आपने देखा होगा इनका लाइव तो आपको पता चल गया होगा, फेसबुक में लाइव आके ये बहुत तगड़े से माँ बहन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये जानना आपके लिए जरूरी है। आपको बता दूं, इनका एक गाना करीब 3-3.5 महीने पहले आया हुआ था, उस गाने का नाम था फलनवा के बेटी सपनवा में आबो है। ये गाना इनका आया था वेद इंटरटेनमेंट से और अभी करीब 20 मिलियन प्लस है। गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अब इनका कहना है कि अखिलेश कश्यप ने इनके गाने के साथ छेड़छाड़ की और जो कल गाना रिलीज हुआ था आदिशक्ति फिल्म से, चाची के बाची सपनवा में आती है, इनका वो गाना है, इनका गाना चोरी किया है अखिलेश कश्यप ने। दोस्तों, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तो मान लो 1% में मानता हूँ, हालांकि गाना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। उनका लिरिक्स, उनका गाना, इनका गाना, जमीन आसमान का अंतर है। रही धुन की बात तो ऐसा कोई भोजपुरी में नहीं है जो एक दूसरे की धुन नहीं गाते हैं, सब गाते हैं, लिरिक्स चेंज कर देते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है शिव कुमार भैया से, जो लाइव में आके कल इन्होंने तांडो किया था, सनी देओल बने थे, लग रहा था हैंडपंप उठा लेंगे। दोस्तों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं भैया से, बुद्धिजीवी इंसान है, कल लाइव में आके जो इन्होंने तांडो किया, ये तांडो जब खेसारी लाल यादव ने गाना गाया ये, तभी क्यों किया? इसके पहले ये अभी और है, ये अभी और है, ये इन सभी ने गाया। अगर मैं आपको और दिखाना चाहूं तो देखिए ये और कम से कम ऐसे 150, 250, 200, 500 सिंगरों ने ये गाने गाए हैं, इसी टाइप के गाने गाए हैं। आप टाइटल देख सकते हो, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इन्हें पता था कि इनके साथ कंट्रोवर्सी करके, इनके साथ लड़ाई करके जरा सा भी मेरा नाम नहीं होगा, मीडिया में चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन मैं अगर खेसारी लाल यादव को या अखिलेश कश्यप को टारगेट करता हूं तो मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगा और थोड़ा वायरल हो जाऊंगा। लेकिन शायद भैया आपको पता नहीं है, आप जो गाली गलौज करके कोशिश कर रहे हो वायरल होने की, आप इससे बदनाम हो जाओगे, आपका नाम नहीं होगा। अगर आपको कोई कंट्रोवर्सी करनी थी तो गाना जब आपने गाया उसके बाद जो पहला सिंगर गाता उसके साथ करते। आपने लाइव में बोला कि आपने अक्षरा सिंह को अलाउ किया था, अक्षरा सिंह से रिक्वेस्ट की थी, तो चलिए उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जो बाकी सब ये लोग हैं जो आप देख रहे हो, उनको आपने अलाउ किया था क्या? तब आपने लाइव में आके इनकी माँ बहन आपने क्यों नहीं की? आप जो जनता जनार्दन हो, आप लोग जो देख रहे हो, इतने लोगों ने गाना गाया, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन खेसारी लाल यादव ने गाना गाया जबकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है, तो इनको मिर्ची क्यों लग गई? क्योंकि इन्होंने सोचा यह एक मौका है एक बड़े स्टार के साथ नाम जोड़ने का, चर्चा का विषय बनने का, मैं भी थोड़ा हाईलाइट हो जाऊंगा। क्योंकि भोजपुरी में सस्ती टीआरपी है कि किसी भी स्टार का नाम लो, गाली दो, गलौज दो और
हिट हो जाओ, लेकिन यह अनुचित है। अगर स्टार गलत करता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर खेसारी लाल यादव गलत नहीं है तो आपको उन्हें कतई गंदा वर्ड बोलने का अधिकार नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन वह शब्द मेरे मुंह से निकल नहीं रहा है कि शिव कुमार बिक्कू जी ने, भोजपुरी के माननीय सिंगर ने कल लाइव में कैसा तांडव किया था। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश कश्यप ने फिर लाइव में आके आपकी आरती उतारी थी, उन्होंने भी आपको धमकियां दी मारने के लिए, लेकिन पहला बार आपने किया, दूसरा बार उन्होंने किया, एक्शन का रिएक्शन आता ही है। मैं कहूंगा कि आप दोनों गलत हो। अखिलेश कश्यप जी को भी अपने भाषा में संयम रखना था और आपको भी गाली गलौज नहीं करनी थी। जनता जनार्दन आप हैं, आप लोग बताइए, अगर इनको एक्शन लेना था तो जब इतने लोगों ने गाना गाया तब एक्शन क्यों नहीं लिया, आज खेसारी ने जब गाना गाया तो इनको मिर्ची क्यों लगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।